अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कलौंजी का रेसिपी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बैंगन लिया है, जो मेरे बैंगन लंबे लंबे पतले पतले हैं, अगर आपके छोटे छोटे हों। यहाँ मैं बैंगन को दो हिस्सों में बांट लूँगी, इस तरह से कट लगा लूँगी। इस तरह सारे बैंगन में हम कट लगा लेंगे। यहाँ मैं पानी में डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी सारे बैंगन को। मैंने यहाँ एक बाउल में अदरक लहसुन पेस्ट लिया, एक चम्मच हल्दी के लिए, डेढ़ चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक चम्मच भर के हम जीरा पाउडर लेंगे, एक चम्मच यहाँ बड़ा चम्मच से भर कर हम यहाँ कलौंजी मसाला लेंगे, यहाँ स्वाद अनुसार नमक लेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम 2 से 3 टेबल स्पून हम तेल लेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले एक हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक मसाले सब एक सा हो जाए। यहाँ हम अपना बैंगन डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से कि सारे बैंगनों पे मसाला कोट हो जाए। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से कर लेंगे। इसे ढक के रख देंगे। और देखिए यहाँ पे हम ऑयल लिया है, यहाँ हमने फ़ौरन डाल, उसमें फ़ौरन आप डालें, वीडियो नहीं हुआ था मेरा, यहाँ डालकर हम ये चला लेंगे। इस तरह से हम इसमें पानी डाल देंगे जिसमें हम मसाला कोट करके रखे थे, सब धोकर डाल देंगे। इसे अच्छे तरह से मिलाकर हम इसे ढक के पका लेंगे। देखिए हमारा 10 मिनट हुआ है, इसमें अभी पानी ही बहुत सारा है। इस तरह अभी पकेगा ये, इसे हम फिर 10 से 15 मिनट कुक कर लेंगे। 10-15 मिनट हो गया दोस्तों, देखिए ये हमारा सारा पानी जो है सूख गया है, यह हमारा तेल जो है पूरा बाहर आ गया। देखिए हमने अपना प्लेट पे निकाल लिया है, ये देखिए बहुत अच्छा बना है। इसे आप भी ट्राई करें दोस्तों, ये बहुत अच्छा बनता है। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियो। अल्लाह हाफिज़।